बच्चे जो होते हैं उसकी बात कर रहा हूँ, 1 साल 2 साल 3 साल 5 साल। तो आपने यहाँ पर वो ग्रेवी वाले सलाद खाए, ग्रेवी वाले सब्जी खाया, ग्रेवी वाला हलवा खाया, ऐसा कुछ न कुछ वेरायटी आप बच्चों के लिए बना दीजिए, वो आराम से खा जाए। बच्चे को ये सिस्टम में लाने के लिए पहले इतना आग्रह मत रखो कि पूरा सब कुछ ये अपना है। दूध छुड़ाने के लिए आपको दूध बना के देना पड़ेगा, अंदर कुछ फ्लेवर डाल के बना के देना पड़ेगा। और बच्चों को ऐसा कुछ नया नया वेराइटी जो चबाना नहीं पड़े, याद रखें। बच्चों को प्रॉब्लम कहाँ आती है, चबा के खाने का टाइम नहीं है या उसको इसमें इंटरेस्ट नहीं है। वड़ा पाव है तो फट फट खा लिया एक दो मिनट में, सही में बताओ तो वड़ा पाव खाने का रास्ता क्या है, तो एक दूसरा ऐसा बड़ा डिश सलाद का लिया है और साथ में एक पकौड़ा है, ब्रेड पकौड़ा है, वड़ा पाव है, सब कुछ भी थोड़ा बहुत है, ये रोटी खानी है, तो इसका छोटा पीस लो और ये सलाद का दो पीस लो साथ में और मुंह में डालो, धीरे धीरे आराम से 30 मिनट लगाना पड़ेगा एक वड़ा पाव या एक पकौड़ा खाने में। तो हमारे बच्चे ऐसे खा रहे हैं क्या, नहीं। गरम गरम फूड होता है, तीखा स्पाइसी मसाला वाला फूड होता है, तो वो जल्दी से जल्दी अंदर जाए ऐसी एक तमन्ना होती है, एक खा लिया, दो खा लिया, तीन खा लिया, और जल्दी खाना शुरू हो जाता है। अभी यहाँ आप लोग इतने दिन आए, हमारा पांचवा दिन आज शुरू हुआ, तो चाय का जो तुम्हारा हेडेक था वो चला गया। दूसरी बात, आज दाल चावल रोटी तो फट फट खा गए, अंदर डाल दिया, और यहाँ आप देखो कितने मजे से 25-30 मिनट लगा के चबा चबा के एक शांति से खाना खाते हैं। और ऐसा खाना खाने के बाद एसिडिटी को एक लोगों ने भी नहीं बताया, मुझे एसिडिटी हो गई, बढ़ गई, समझ रहे। तो हम इसका मतलब है कि जो आज तक खाया, जो खाना घर पे बना के खा रहे है, उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, जो भी कुछ बॉडी बिगड़ रहा है उसका जिम्मेवार वो है, ठीक है। तो छोटे बच्चों को ऐसा कुछ ग्रेवी बना के दो, कुछ कोकोनट मिल्क, बादाम मिल्क, जैसा कई सारे मिल्क बनते हैं ये वेगन फूड में, तो उसमें कुछ फ्लेवर डाल के आप बना के दो, ठीक है। तो ऐसे बच्चों को आदत हम डाल सकते हैं, पहले हमको खाना पड़ेगा, बाद में वो खाएगा।